हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स की। इसमें हम आज देखेंगे टाइप वन। टाइप वन में हम जो फिगर्स देखते हैं वो देखते हैं एम इंटू एम टाइप की फिगर। एम इंटू एम टाइप से हमारा मतलब होता है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज दोनों बराबर हैं। तो इस केस में हम दो तीन एग्जाम्पल की बदौलत आपको सिखाएंगे कि विदिन 2-3 सेकेंड हम कैसे इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमने फिगर ली है वो बिल्कुल सिंपल ली है, और वो इतनी सिंपल है कि आप उसे ट्रेडिशनल वे में भी आंसर कर सकते हैं। जैसे हमने ये छोटा वाला स्क्वायर लिया है, इसमें दो रोज़ हैं और दो ही कॉलम हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम इसे मैन्युअली काउंट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, चार स्क्वायर ये होगा, और पाँचवा स्क्वायर जो बाहरी एक्सटर्नल स्क्वायर है ये वाला, जिसकी बाउंड्री ये जा रही है, ये तो ये हो गया पाँचवा स्क्वायर। तो इस ढंग से पाँच स्क्वायर हमारे इस फिगर में हो गए। लेकिन जैसे जैसे स्क्वायर बड़ा होता चला जाएगा, फिगर बड़ा होता चला जाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर बढ़ते चले जाएंगे, तो हम इसको मैन्युअली या ट्रेडिशनल वे में आंसर नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब हम एग्ज़ाम में इस तरह के फिगर्स को सवालों को आंसर नहीं कर सकते। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है कि हम एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करें, और शॉर्टकट आपको 2 या 3 सेकेंड में आंसर ला देगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं इस शॉर्टकट को। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नंबरिंग कर देते हैं जो भी गिवन फिगर है। अगर हम इस फिगर की ही बात करें, हमने नीचे फिर से बनाया है इस फिगर को, तो अगर हम इसकी बात करें तो हम इसे नंबरिंग कर देते हैं दोनों एंड पे, फ्रॉम दिस साइड टू राइट साइड, और इसी पॉइंट से फिर नीचे की तरफ भी, राइट को भी और नीचे को भी दोनों तरफ नंबरिंग कर देंगे। तो 1, 2, 1, 2 ये नंबरिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर हमने लिखे हैं 1 और 2 लिखा है यहाँ पर, तो पहला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमारा आंसर आ गया 5। यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में भी हम करते तब भी हमारा आंसर 5 आया था, और यहाँ पे ट्रिक से किया हमने तब भी आंसर 5 आया। अब जो ट्रिक मेनली यूज़ होती है वो बड़ी फिगर्स में होती है। बड़ी फिगर्स के लिए हम क्या करेंगे, वही यही फार्मूला शॉर्टकट वाला फिर से इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसके लिए अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, इसके लिए 1, 2, 3 इधर से नंबरिंग हमने कर दी, इधर से भी हमने नंबरिंग कर दी 1, 2, 3। तो अब हम इनको ऐड कर देते हैं, फार्मूला लगाते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 जो लिखा है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, चूँकि एम इंटू एम टाइप का फिगर है। तो ये हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 5 का स्क्वायर होता है 9, तो 14 हमारा आंसर हो गया। तो इस ढंग से हम बहुत ही कम टाइम में इसको आंसर कर सकते हैं इस तरह के सवालों को। फिर देखिए तीसरा जो बिगर प्रॉब्लम है, और उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ हालांकि बराबर हैं लेकिन चार चार हैं। तो हमने नंबरिंग कर दी फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, और इधर से भी इधर तक नंबरिंग कर दी, 1, 2, 3, 4। तो हम शॉर्टकट लगा देंगे, क्या शॉर्टकट होगा हमारा, शॉर्टकट होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, और 4 का होता है 16। तो ये हो जाएगा हमारा 30 आंसर, नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे 13 कराएंगे। तो ये था हमारा शॉर्टकट स्क्वायर निकालने का, उस केस में जबकि हमारे पास फिगर हो एम इंटू एम टाइप। इससे जो दूसरी टाइप की ट्रिक है, जब एम इंटू एन टाइप का हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम और रोज डिफरेंट हो जाएंगे, तो उस केस को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।